बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है दिख रहा है। दरअसल बेखौफ अपराधियों ने शनिवार को राजधानी पटना में दो लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। घटना शनिवार देर रात की है। घटना के कदम कुआं इलाके में अपराधियों ने दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। शनिवार की देर रात पटना के कदम कुआं थाना इलाके में काजीपुर रोड नंबर 2 में रहने वाले राजू यादव और राजू कुमार उर्फ बोना को अपराधियों ने निशाना बनाया। राजू यादव को 3 गोली जबकि राजू उर्फ बोना को 2 गोली लगी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों के द्वारा पटना के PSCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान राजू यादव की मौत हो गई जबकि राजू फोड़ा की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही कदम कुआं के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चला है कि किस वजह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है।